हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन लेने जा रही हूं, जिसमें इंटीग्रल की टर्म भी आ रही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले से डैश वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इट इज़ वाई डैश प्लस टू वाई प्लस इंटीग्रल जीरो टू टी y dt इज इक्वल टू 2 cos t। ये इनिशियल कंडीशन है। एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड्स, तो हम लिख सकते हैं ly dash प्लस 2 ly। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कॉन्स्टेंट्स बाहर लिख लिए हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू t y dt इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर लिख के, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन t। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं, तो उसे हम लिख लेते हैं। ly dash यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज में आ रहे हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं। तो एल वाई डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारे पास। एल वाई डैश ये टी का फंक्शन है, तो एस इंटू वाई बार एस माइनस वाई जीरो इसका फॉर्मूला होता है। इससे पहले मैंने इसके 6 to 7 वीडियोज बनाए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से ये वैल्यूज फाइंड आउट की जाती हैं। इसके अलावा वाई टी, जैसे एल एफ टी एफ एस होता है वैसे ही एल वाई टी वाई एस होगा, यानी कि एस का फंक्शन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ये हमने पढ़ा है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ वाई फंक्शन ऑफ टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट 0 to t इंटीग्रल 0 to t फंक्शन ऑफ टी डी टी जो होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो 1/s इंटू फंक्शन ऑफ s होता है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है y के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर आंसर भी y के फॉर्म में आएगा। इसी तरह से कोसाइन का फॉर्मूला यूज में आ रहा है, तो cos at के लिए जो फॉर्मूला होता है लाप्लास का, वो होता है s/s² प्लस a². तो इस तरह से हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं उन सभी के लिए ये रिलेवेंट फॉर्मूले हैं। तो अब हम इसके आगे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। पहले वाले फॉर्मूले से s इंटू वाई बार माइनस वाई जीरो, वाई बार s को डिनोट कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि s का फंक्शन है, प्लस सेकेंड टर्म में 2 एल वाई, एल वाई की जगह वाई बार लिखेंगे, तो 2 टाइम्स वाई बार लिख लिया। देन ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स को यूज करते हुए हम इसको लिखेंगे 1/s इंटू वाई बार और इज इक्वल टू है 2 इंटू ये s/s² प्लस a², a की जगह 1 है इसलिए 1² को लिख लेंगे। अब हमें गिवन है y0 इज इक्वल टू 1, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम यूज कर लेंगे। तो यहां से आ जाएगा sy बार माइनस 1 प्लस 2y बार प्लस 1/s इंटू वाई बार इज इक्वल टू 2s/s² प्लस 1² अब यहाँ से वाई बार की टर्म्स कलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाएंगी s प्लस 2 प्लस 1/s इंटू वाई बार, और जो 1 बचा है उसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो 2s/s² प्लस 1² प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो s² प्लस 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s इंटू वाई बार इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, तो 2s प्लस s² प्लस 1 डिवाइडेड विथ s² प्लस 1, और इसमें ये जो टर्म्स है न्यूमरेटर ये सेम आ गया है, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकेंगे कि y बार इज इक्वल टू, s को दूसरे साइड शिफ्ट कर लिया, s/s² प्लस 1, 1 को हम 1² लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में है, तो इस कारण हम इसका इनवर्स ले लेंगे। सो टेकिंग
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल इनवर्स वाई बार इज इक्वल टू एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला है कोसाइन का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 80। तो ये कॉस 80 में एक ही जगह पर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 रख के हम डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कोसाइन टी। और लेफ्ट हैंड साइड पर वाई बार है जो कि एस का फंक्शन है, तो उसका इनवर्स लेने से हमें वाई टी मिलेगा। तो फाइनली हमारे पास वाई टी इज इक्वल टू कोसाइन टी आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, ये सभी का नॉलेज होना जरूरी है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।